की जो हमारे देश की है और जो हम देश की मैं रख रहा हूँ उसमें से 800 देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ब्लॉक में थोड़ा सा और भी बेहतर काम होगा। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो एक फिलहाल एक कोशिश है कि हमारे जितने भी किसान भाई है हर एक के पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उसके लिए भी आपसे गुजारिश है कल आपके ब्लॉक में भी अवेयरनेस कैंप और ड्राइव है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने जितने भी किसान भाई हैं सबको बताएं। इसमें हमारे केवल किसान नहीं, इसके अलावा हम जो है इसमें एनिमल हस्बेंड्री, जो शीप हस्बेंड्री की जो लिमिट थी वो बहुत कम थी, केवल 760 रुपए एक पेड़ की थी, तो उसके लिए भी हम निकालते हैं, तो उसको भी हमने गवर्नमेंट जो है बढ़ाने की जो है हमारी कोशिश है, तो वो भी बहुत सैक्शन हो जाएगा। सर ये आप करते हो लेकिन आप ये चाहते हो आपके पास 50,000 रुपए या तो एक जो है आपके पास जो 50,000 रुपए उससे जो है खेती कर लेगा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो हमारा नगाली साहिब ब्लॉक है उसके हमारे जो बीडीसी चेयरपर्सन है उनकी और जो हमारे सरपंच साहिबान है उनकी मीटिंग की गई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ, उन्होंने अपने जो इश्यूज थे वो भी रखे और उनको डिटेल में डिस्कस किया गया। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उन्होंने उसके जो उनके तरफ से जो जवाबियत थी या फिर जो उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भी बताया और आगे से इस तरह से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट हमारे जो ब्लॉक्स हैं उसमें भी हमारी मीटिंग होनी है। इसके अलावा जो हमारे जो सरपंच हजरात हैं उनको हमारे जो केसीसी के लिए फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से किसान पखवाड़ा चल रहा है उसके बारे में भी उनको फिर से एक बार अवेयरनेस दी गई और जो COVID-19 को लेकर भी उनको अवेयरनेस दी गई कि किस तरीके से उन्होंने अपने इलाका जात में भी अवेयरनेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना है कि COVID-19 में किस तरीके से हम लोगों को बचा के रख सकें। आज जो मीटिंग हुई है PRIs और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो आला ऑफिसर हैं उनके दरमियान, ये बहुत ही खुश आइंद कदम है क्योंकि अगर गाँव को सही तरीके से डेवलप किया जाना मकसूद है, अगर ये मकसद हमारा है तो वो तभी हाल हो सकता है जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान और PRIs आपस में मिल बैठ कर मशवरा करके इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम जो है गरीब लोगों के उसका आगाज़ करें। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, यूटी गवर्नमेंट का, और हमारे DC साहब ने इसमें ज़्यादा तौर मुदाखलत करके जो किया है तो इससे हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 2-4 महीने में 6 महीने में इसका रिजल्ट जो सामने आ जाएगा और पब्लिक को जो है सही गवर्नेंस जो दिल्ली से जो गवर्नेंस का जो प्लान बनता है वो पब्लिक पे इम्प्लीमेंट होगा और लोग यूटी बनने के बाद जो इस वक्त परेशान हाल हैं वो खुश होंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत मशहूर हूँ कि इस वक्त जो इन्होंने बताया कम से कम मेरे ब्लॉक में 10-15 करोड़ के प्रोजेक्ट जो सेंक्शन है जिनके जल्दी टेंडरिंग होने वाली है, कुछ की टेंडरिंग हो रही है, तो जल्दी ही ये जो है जो सबका गवर्नमेंट में जो इससे पहले 70 सालों में जो इस्तेहाल हुआ है आवाम का वो अब नहीं होगा क्योंकि जो ये पंचायत का सेकंड टायर बना है इसकी वजह से डेवलपमेंट आवाम तक पहुँच रही है और आप देखेंगे कि मेरे एक ब्लॉक में इतना पैसा जो है वो सेंक्शन हुआ है बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों के लिए। भारत सरकार बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है, इसको इम्प्लीमेंट की जरूरत करने की ज़रूरत है और जो कुछ ब्लैक शिप हैं जो करप्ट लोग जो हैं, करप्ट माफिया जो है उससे बचने की ज़रूरत है और PRIs उसमें जो है अहम रोल अदा करेंगे और ये जो मीटिंग है ये उसी की कड़ी है।